लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोर पे है और कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, और ऐसे में हम पहुंच चुके हैं बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। मैं बता दूं कि जब से काराकाट लोकसभा बना है, यहां पर 3 बार कुशवाहा समाज के ही लोग प्रतिनिधित्व किए हैं, 2 बार महाबली सिंह और 1 बार उपेंद्र कुशवाहा। इस बार क्या चल रहा है कुशवाहा समाज के जहन में, और हम पहुंच चुके हैं देहरी प्रखंड कोड़ी गोला प्रखंड के चांदी गांव में, और बताया जाता है कि चांदी गांव कुशवाहा समाज का वोट बैंक है और सबसे ज़्यादा यहां पे कुशवाहा समाज ही रहते हैं। कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे कि 3 बार के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कुशवाहा समाज के सांसदों से, क्या इनकी अपेक्षाएँ थी और क्या इनकी अपेक्षाओं पर खरे उतर पाए हैं, क्या इस बार भी जाति को ही वोट दे करके वोट देंगे या इनके मन में कुछ और चल रहा है। क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह। कुशवाहा समाज से जी? कुशवाहा। 3 बार कुशवाहा जी के बैठानी जा नू? जी बैठानी। इस बार मन में क्या चलता? मन में चलता कि नया कोई प्रतिनिधि आई तो ओकरा हमनी के वोट देती, जब विकास करे वाला ओकरा हमनी के वोट देती। नया? हाँ नया प्रतिनिधि। तो नया तो कुशवाहा फिर भी कहीं हो सकते हैं बाबू? यहाँ तो कुशवाहा में आए कोई जाति से, जाति विशेष तो नहीं बोल रहे, जो अच्छा प्रतिनिधि तो वो करेगा उसको हम। तो इस बार जतिया उपेंद्र कुशवाहा ना देखो, जाति हम लोग नहीं देखो, इस बार क्रांति के पास भी दिए वोट, हर जाति के राम तपेश्वर नारायण के भी वोट दिया, अध्यक्ष जादू के लिए जाति बेसिस पर हम लोग वोट। अरे 2 बार बैठाई ना जी महाबली सिंह के? जी रहा? हाँ, हाँ, 2 बार बैठाए हम लोग। अभी महाबली सिंह जी जान से हम लोग वोट दिए, महाबली जी को दिए, उपेंद्र कुशवाहा को दिए, लेकिन किसी से हम लोग का आज पूरा नहीं हुआ, विकास का कोई काम देखने को नहीं मिला, आज जनता तराही तराही कर रहा है कि हम लोग नया प्रतिनिधि। देखिए साफ साफ शब्द बाए उपने सवाल बा जी, बोलो जो भी चुनाव हो खेला लोग जाती है पा जाला कौन जाती है एमे कुछ छिपा नहीं के सकता? ना छिपा नहीं के सकता। तो बताइए कि 3 बार जो सांसद जो कुशवाहा बैठा लोग समाज खातिर कुछ कहला लोग बालक जी, जाति पर तो हजुर पहले देते रहना देंगे, लेकिन जाति के बात में हमने के देख तो चुक गए जा, कुछ आँख में कोई सटा करके बोलने वाला नहीं मिला, कोई काम पड़ गया तो कोई विकास के काम पर, कोई अफतरा के काम पर, कोई किसी के मदद देने वाला नहीं मिला, यानी कुशवाहा समाज जो सांसद है कोई ऐसा व्यक्ति पता नहीं किया? एगो राम प्रसाद छोड़ा के कोई नहीं मिला, राम प्रसाद जी कुछ कर रहे थे, क्या लगता है कुशवाहा लोग खेले इस्तेमाल करता लोग? अब तो हम लोग का ये क्या कहते हैं, इज थ्रो उपयोग करो अभी वो जी थ्रो का काम कर रहा है और क्या कर रहा है। तो कुशवाहा समाज के पत्रकारों पिटाई बने उजा? हाँ देखिए उनका समाज का पत्रकार पिटाया, जबकि इतना समाज में हम लोग बिताए हैं, हमारे सांसद है, हमारे विधायक है, हर किसी को मदद करना चाहिए हम लोग, मतलब अब हम लोग क्या मतलब दिल से विचार करते हैं कि देखिए इन लोग का जाना चाहिए वहाँ पर, पूछना चाहिए, गिरफ्तारी तक नहीं हुआ है, हम लोग भी न्यूज देख रहे हैं, लेकिन ये तो गलत काम है ना, जब जो वैसा ही काम में उन लोग हाथ नहीं बताएंगे तो कोई कुशवाहा समाज दे करके ही क्या करेगा? ये कड़वी सच्चाई है, कुशवाहा समाज के सांसद महाबली सिंह अभी भी इस पद पर विराजमान है, और जब उधर जाएंगे काराकाट में तो अरुण बाबू कुशवाहा है, जेहरी में जब इधर आएंगे तो फतेह बहादुर कुशवाहा है, और पिटाने वाला जो अशोक पत्रकार है वो भी कुशवाहा है, तो कुशवाहा है तो कुशवाहा की जवाबदेही तो बनती है कि गिरफ्तार कर रहा है अपराधियों की? बनती है, अपराधियों का गिरफ्तारी जथा शीघ्र हो, एक पत्रकार की बात है, देश का दूसरा स्तंभ माना जाता है पत्रकार, और उसी का प्रतिष्ठा रहेगा तो हर किसी जनता को क्या प्रतिष्ठा रहेगा, कोई जनता का प्रतिष्ठा मोह भंग हो गया जी, मोह भंग है, काम नहीं कुछ कर रहा है, जो आदमी को अपना आदमी को मदद नहीं कर रहा है, कोई नहीं पहुंचा रहा है, तो उसको क्या आदमी वोट देंगे? एनडीए का तो सोचे पड़े कुशवाहा को हटा कर सकता है, एनडीए के चाहे कोई दल हो, एनडीए के सोचे क्या ना, मतलब कुशवाहा से मतलब नहीं रखते हैं, किसी नया प्रतिनिधि को दे, कोई जाति विशेष से ना मतलब अच्छा प्रतिनिधित्व काम काज इनसे मोह भंग हो गया? मोह भंग महाबलियों से जी, महाबली से हम तक कौची बतला हो जाओ उपेंद्र से, पहले तो वो भंग रही तभी देती जा, लेकिन पहले देत बन जाए। चलिए ये सच्चाई है, लगातार कुशवाहा समाज के लोग जब क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं बता दूं जब काराकाट लोकसभा बना था तो 2 बार के महाबली सिंह और 1 बार के उपेंद्र कुशवाहा है, क्या कहेंगे, क्या नाम है? उपेंद्र कुशवाहा। 2 बार 3 बार सांसद बना देने जा, 2 बार क्या कर जा सीधे कल गोल मार देनी? मोह भंग हो गेल बा महाबली जी से उपेंद्र जी से? एकदम एकदम। का है विकास निखन जा कर विकास लिखे मिलो कहाँ चल गई, विकास विकास चल गंगा जी में चल गई।
तो लोग कहे ला कि काराकाट जो क्षेत्र बा उ सबसे ज्यादा कुशवाहा लोग रह ले जाए यही से कुशवाहा के सीट देवल जाता ऊपर काम में चला था फिर उपेंद्र जी कुशवाहा के सीट लेके आइए क्या करब सैंदी बस्ती के नवा धरे के चाहिए सैंदी बस्ती में दूसरा विकल्प चला सब दूसरा विकल्प अच्छा ये बताइए कि तीन बार के सांसद रह कुशवाहा लोग इस क्षेत्र में कोनो से नेता पद के रख लो कि राउर आवाज कुशवाहा समाज की जिला में उठा सके बिहार में उठा सके कोनो जना निखन जा देखी कोनो खोजी कोई गांव जाए तो मिल अल्लाह ही निखन जा के करे के कह जाए रोला पिटा थो के कहू चाहे कोई झगड़ा बोलो कोनो से आदमी बैकग्राउंड पर नहीं तो कर सके कोई नहीं मारा तीन तीन बार सांसद कोरी बनले बन क्या करबो ऐसे बात कहते हैं सांसद न बनल बड़न जा तो सांसद उ कोई कैसे बनले कहां बनले बड़न जा कोई ना करा के काम बोले बालो कि ना धरत पे आके धरत पे काम कहां बनबा जोन सब के भईबा तो भईबा कुशवाहा समाज के रुवा जब बात करत कि कुशवाहा समाज के विकास भईबा कि ना जो सब कोई खाती रोड बनल बा कुछ हो खाती बनल बा सब जात खाती बनल बा जतिए के नाम कुछ विशेष नहीं मिलल कुछ विशेष नहीं है का मांग बाकी तो दूसरे को भेज दिया चुनाव के हां 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 उपेंद्र बात ना बोली कोई के बात ना महाबली पर कोई के बात ना बोली मन में आक्रोश है होगा भी क्यों नहीं जी क्षेत्र के तीन तीन बार कुशवाहा समाज के सांसद प्रतिनिधित्व किए हैं और उस क्षेत्र के कुशवाहा की असहाय स्थिति है एक चाचा भी बड़े मान मार के बैठ गए का नाम है चाचा रामजी सिंह किसान खूब खेती करिला ना ही करबे कोई ना अच्छा तो ये सच्चाई बा कि ना कोई जी के ढेर झगड़ा आधे पगार में रह जाला ये तो नहीं के अभी अभी नहीं होते गांव में नहीं के अच्छा तीन तीन बार सांसद रहले राउत समाज से कुशवाहा समाज से का अपेक्षा बा इस बार फिर अरे जोन बा जोन फंड मिलेंगे तो काम देबे के लन जाए यानी गांव में जोन फंड आई तो देबे के लन जाए जोन उपेंद्र कुशवाहा देलन हम के छालका बन गेल के हम के राज भोगत आइ जाए आ महाबली तो कुछ रोड बनवैलन गाँव से बन तक ले और क्या अब कुछ मांग नहीं बन मांग मनोकामना और पूरा हो गई तो क्या कर किसान के का दिया जा कुछ है ना तो फिर मन का कहता फिर महाबली जी के देव की बने अरे हमने तो उनका दिल ही नहीं हम के दिल नहीं कांति के पहले आरजेडी के भक्त रहेंगे हम के अब हार गनी अब हटा देंगे उनको रुके अच्छा ललू जी के देख के अरे भैया हाँ जेल में गुलन का करना हाँ घिरना हो गए उनको से हम के तो महाबली सिंह के बनाई नहीं फिर उपेंद्र कुशवाहा के बना देनी फिर महाबली सिंह के बनाई नहीं तो अब क्या करो अभी उपेंद्र जी आओ तुम तो फिर एक देखल जाए महाबली जी को छोड़ दिया क्या कर जो उनको सीट ना मिली तो कहाँ से पी उपेंद्र कुशवाहा के मन देव सीट वाला मिली तो ना उपेंद्र कुशवाहा के दे उना हमारे उपेंद्र कुशवाहा के देवे ठीक बड़े हाँ चलिए उपेंद्र कुशवाहा हमने साल का बनवाई ले हाँ साल का बनवा दे रहे बड़े एक किसान भैया नौजवान साथियों बड़े सरपंच साहब भी आगे बने देखिए तनी फोकस करने के बिना में सरपंच साहब बनी और किसान के भी काम करीला आई ये थोड़ा सा चर्चा हो जाए ये है गाँव की खूबसूरती जहाँ पर जनप्रतिनिधि भी अपना काम खुद करते हैं और थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है नाम क्या है मेरा नाम तो मोहम्मद जाकिर हुसैन है मैं चांदी पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि है सबनम प्रदीम परवीन है उनके मैं पति हूँ प्रतिनिधित्व मैं करता है लोकसभा चुनाव बानू हाँ हाँ लोकसभा एक काम उन कहता हमने के तो कहता कि यहीं की जो कि अपना अच्छा नीति वाले के दिया जाएगा है ना कि जो सभी को मान सम्मान धर्म की एकता के लेकर कोई धर्म के नाम पर ना दो एक सामाजिक पर हम लोग अपना वोटिंग करेंगे चाहे बीजेपी से बीजेपी से बीजेपी तो हम लोग मुस्लिम है मुस्लिम को तो लाइक ही नहीं करती है आप पहला आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग शाहबाद रेंज में जो एक भी टिकट नहीं मिला ये कौन ऐसा कारण है कौन लोकतंत्र में यही है एक भी टिकट एक मुस्लिम को नहीं दिया गया पूरा शाहबाद खत्म कर दिया गया आज जो हम मिलन हुई ना नहीं नहीं शाहबाद के रेंज में जो टिकट था वो भी कट गया सीए लागू हो गए तो सीए ये तो उनका तो काम है लागू करना सब चीज तो लागू कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन वो लोग के कर रहे हैं सीए भाई वो तो लागू कर दिए हैं अपना सत्ता में है और सत्ता के ही में जो भी मुसलमान भाई स्वागत में विरोध के हमने के सीए के तो भाई हमने के विरोध है ना सीए के हम बोले ये क्या ये सीए है कि सीए जो ये पूरे केवल एक कास्ट का किया जाता है
अभी को किया जाए नहीं सब को हाँ इसलिए मैं सिख है हिंदू है नहीं तो उस पर तो नहीं उसके लिए तो छूट दे रहे हैं वो दे रहे हैं अगर ये चीज जो कर रहे हैं इलेक्शन के माहौल में और ये यदि जो सहारा इंडिया का पैसा फंसा हुआ है लोगों का ये एल्केमिस्ट का पैसा फंसा हुआ है यदि हमारे गृह मंत्री इस पर ज़्यादा फोकस करके ये मैंने जो कि जिसके सहारा में जिसने पैसा जमा किया है आज तक उसकी बेटी का शादी नहीं हो रहा है इलाज नहीं हो पा रहा है इलाज नहीं हो रहा है अगर ये सारे चीज़ को अगर हाँ अमित शाह भी बोले थे फिर महीना पैसा दे देंगे दे देंगे आज तक किसी को ऑनलाइन कराने पर पैसा दर्शन नहीं हुआ है जिससे ये पता चलता है कि वो लोग वे जो उनके सहारा इंडिया के जो सुब्रत राय वगैरह है सुब्रत राय कंपनी के जो मालिक तो नहीं है लेकिन उनके नहीं जाने पर वो ब्लैकमेल भी कर दिए हैं क्या दस मिनट हो सकता ये बेहतर होता हाँ ये बेहतर होता चलिए ये है और ये सच्चाई है धरातल पर कि ये क्यों विरोध कर रहे हैं बताएं ना हाँ ये कह रहे कि मुसलमान ने हमारा विरोध हो रहा है सीए का विरोध करने का कोई औचित्य ही नहीं है क्योंकि जो भी अल्पसंख्यक है हिंदू है जैन है बौद्ध है ईसाई है जो पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान के रहने वाले हैं उनको भारत में नागरिकता मिलेगी और चूंकि वो मुस्लिम बहुल देश है तो वहाँ पर मुसलमानों की पीड़ित होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है जो NRCA है ये मुसलमानों को किसी तरह से कोई परेशान नहीं करता और NRC? कोई डरने की और आपकी NRC? और NRC की बात रही तो जो भी अवैध रूप से जो बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं या पाकिस्तानी या अफगानिस्तान के रहने वाले उनको चिन्हित करके निकाला जाएगा तो चुनाव लेकिन से पहले अभी NRC नहीं आया है चुनाव से पहले नहीं ये जो है जो CA आज थोड़े लागू हुआ है कहाँ चुनाव से पहले अभी नोटिफिकेशन लागू हुआ है भाई कोई भी सरकार रहती है ये 2019 में जब योजना लाई गई थी उसमें बंद विरोध हुआ था बंद कर दिया गया नहीं तो कोई भी सरकार आती है तो चुनाव के टाइम है तो काम ज्यादा करती है चलिए आप सीए का स्वागत करते हैं हाँ बिल्कुल एकदम अगर कोई मुसलमान अगर आ गया हो 1947 के बाद या 90 के दशक में बांग्लादेश का हो पाकिस्तान का हो या अफगानिस्तान के हो और वो प्रताड़ित नहीं हुआ वो अपने यहाँ लेकिन फिर भी आ रहा है तो उसको अपना नागरिकता नहीं देंगे नहीं मुसलमान भी नागरिकता मिलेगी ना अभी अभी तो आप कहे कि मुसलमान को वहाँ प्रताड़ित नहीं किया था उसको नागरिकता नहीं देंगे अदनाम सामी को मिला ना उसका प्रोसीजर अलग होगा लेकिन ये जो है अल्पसंख्यकों के लिए है जो प्रताड़ित होकर के वहाँ ये कहिए कि मुसलमानों को हम नागरिकता देंगे वो तो उसका तो प्रोसीजर अलग से है जैसे अदनाम सामी को मिला था वैसे मिलेगा नहीं कहते हैं कि जब समय बदलता है और पर्यटक मंगाता है तो सारी जवाबदेही युवाओं को पड़ जाती है और चाचा नाम क्या है भैया आपका युवा है और देख रहे हैं तीन बार से सांसद जो बने हैं कुशवाहा समाज से बने हैं करा काटे लोकसभा क्षेत्र से क्या लग रहा है कि जितना विश्वास होना चाहिए खास करके कोरी समाज को उस्मान समान मिला कि नहीं मिला था? अभी तक तो हमको नहीं लग रहा है कि मिला है और ना ही कोई ऐसा भी नेता हुआ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कि जो कुशवाहा का आवाज़ सुने और उसका आवाज़ को पहचाने आप क्या चाहे तीन बार सांसद बना देने अभी बगल के विधायक नया चेहरा आना चाहिए उपेंद्र महाबली में इनमें से कोई नहीं ये लोग तो कुशवाहा के जन्मे नहीं करते कुशवाहा जाति भी कोई होता है ओनली वोट चाहिए उनको क्या कर दो बस नया चेहरा बोल ही रहे हैं चाहिए कोई छुआ चाहे कोई भी हो नया चेहरा आना चाहिए कुशवाहा के पिटाई होंगे पत्रकार तो उन लोग को नहीं दिखाई दे रहा है ना कुशवाहा पिटा रहा है केवल बोलते हैं हम कुशवाहा है बस यहाँ कहाँ कुशवाहा का जट वहाँ पर दौड़ा करो ये करो लेकिन वो चीज नहीं दिखा रहा है कुशवाहा पिटा रहा है इस क्षेत्र में मैं जिधर घूमा हूँ अर्जुन बिघा चांदी बाग कुशवाहा बहुत क्षेत्र है बहुत कोहरी की वोट ज्यादा बता दे इसी वोट लेता है केवल वोट लेना जानते हैं कोई कुशवाहा को और कुशवाहा जानते ही नहीं कुशवाहा जाति भी होता है केवल जानते हैं कि नहीं हम वोट लेना है कुशवाहा को कुशवाहा का काम है क्या दिक्कत है किसको होना चाहिए क्या वो सब नहीं उनका मालूम है कुशवाहा भी कुछ अपना ये उनके पास ये लगाएगा सोर्स पर भी जो भी दिक्कत हो उनको नहीं समय बोलेगा ठीक है हो जाएगा लेकिन होगा नहीं कब सर मिलल कि ना कोरी के नंबर और एक्स्ट्रा मदद मिलल ओके एक्स्ट्रा तो कोरी हो ही नहीं सकता है था नहीं हो सकता भंग हो गया हाँ कुशवाहा रहेगा कुशवाहा कोई नहीं होगा नौजवान साथी है और काफी परेशान है खास करके कुशवाहा समाज से इनको कभी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिला है नाम क्या हुआ आपका मेरा पंकज कुशवाहा तीन बार के सांसद हैं इस क्षेत्र के और वर्तमान में एक इधर डेहरी प्रखंड में आपका डेहरी विधानसभा में कुशवाहा है काराकाट में भी कुशवाहा है कितना मान सम्मान मिला आप लोगों को देखिए मान सम्मान तो नहीं मिला है हम लोग मतलब वोटर रह चुके हैं एक बार दो बार वोट दे चुके हैं मगर बिहार में चौथी सबसे बड़ी पार्टी है हमारी
सबसे जाति है, मगर यहाँ पर कुशवाहा का शोषण होता है। कुशवाहा कोई बात नहीं सुनता है और कुशवाहा जो जाति के लोग हैं उनका केवल ईद होता है ना, यहाँ रोजगार की बात होती है और कोई अत्याचार भी करता है तो कोई आवाज़ उठाने वाला नेता नहीं है हमारे पास ऐसा में। सबसे ज्यादा जमीनी विवाद हो या आर्थिक धरातल पर कुशवाहा समाज खेती वगैरह करता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं सपोर्ट मिलता है लोगों से, नेताओं से, सांसद केवल अपना यूज करते हैं, जाति के आधारित यूज करते हैं, कहाँ पे मेजोरिटी है और आपका ये सहयोग तो नहीं देते हैं, यहाँ पे कुछ सहयोग नहीं मिलता है, केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं और ऐसे तो दिखाई नहीं देते हैं। कभी आपको ऐसा लगा है कि इन सांसदों के आगे कभी कुशवाहा लास्ट में लगा जाता है, आपको अलग से व्यवस्था दी जाती है या एनर्जी मिलता है आप लोगों को? ना देखिए, यहाँ पे तो वैसा बात तो कहीं देखने को नहीं मिला है उनको। इस बार क्या करेगा? इस बार सोच रहे हैं कि कोई पार्टी, मतलब कोई नया चेहरा उतारे। कोई सा देखिए, जाति से मतलब नहीं है, कोई सा भी आदमी आए, मोर अच्छा विकास करे, अच्छा पढ़ा लिखा हो ना, और युवा का बात सुने। उपेंद्र कुशवाहा देखिए, हम वोट नहीं देते हैं उनको, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा से हमारा वाली कह रहे हैं कि मिलवे नहीं करेगा, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं निकले हैं। देखिए, पार्टी को तय करना चाहिए ना, कोई शिक्षित उम्मीदवार, कोई जो युवा का बात करे उसको नया चेहरा को लेके आए, कोई इसको नहीं कि जो पैसा दे दे 2 करोड़ 4 करोड़ उसको टिकट ना बांटे। मेरा ये कहना है, इस क्षेत्र में रोजगार के लिए एक भी काम नहीं हुआ है, एक भी नया फैक्ट्री वगैरह कोई नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पे केवल जो कम शिक्षित है उनका यूज करके बस वोट के दौरान ही यूज किया। चलिए, हम चांदी में थे और यहाँ के नौजवान साथियों से बात कर रहे थे, कुशवाहा समाज के लोगों थे यहाँ थे, और आप देख पा रहे होंगे किस तरह से लोगों ने बता रहे हैं कि जो कुशवाहा सांसद बने हैं यहाँ के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किए हैं, ठगे हैं, और इनके मन में जो विचार था अपने सामने रखा। ऐसे ही किसी मोड़ पर और मिलेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से इनके मन में चल रहा है और कि इनको ये लोग वोट देंगे।